वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। ए हीरियां तो भी महंगे तेरे श्वास, बिना नाम जपन दे बिना सिमरन सेवा करन दे एवे व्यर्थ जा रहे हैं। ये कदे मुड़ के मिलनगे आख्या किसी भी कीमत तो नहीं मिलनगे। और जेहो जे कोई कर्म कर रहा है वो उसनू भुगतने ही पैंदे हैं। पर बाबा कबीर जी जो श्रोमणी भगतां विचों भगत होए हैं, भगत कबीर जी कह रहे हैं, सब कुछ करदियां होया भी नाम जपदियां सेवा करदियां सिमरन करदियां भी आप उस मालिक कोलों डर के कह रहे हैं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, पता नहीं जो कुछ मैं कर रहा तेरे दर ते परवान होवे ना होवे, इसलिए अपने कर्म की गत, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, बाबा रे, बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, बाबा रे, बाबा रे। पशु मरे दस काज सवार है, बिना नाम तो मनुख मर जाए किसे काम नहीं आउंदा। और पशु मर जाए उदियां हड्डियां भी काम आउणगियां, उदा मांस भी कई जानवरां दी खुराक बनेगा, कितना काम आउंदा है। उदे चमड़े दे जोड़े बनते हैं, कई समान बनते हैं। है मनुख जे तो मनुछा जन्म प्राप्त करके नाम नहीं जपया, सेवा नहीं कीती, कोई परपकार नहीं कीता, ता तेरे नालों ता वो पशु चंगा है। जेड़ा जीवदियां ता घा खा के आ गऊ आदक घा खा के दुध देंदियां हन, ते तू की दिता संसार नूं छत्ती पदार्थ खा के भी जे तू शुकराना नहीं कीता
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਨਰ ਮਰੇ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਨਰ ਮਰੇ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਬਾਬਾ ਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਬਾਬਾ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰੇ। ਹਾਡ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਲੱਕੜੀ ਕਾ ਤੂਲਾ, ਕੇਸ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕਾ ਪੂਲਾ। ਹਾਡ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਲੱਕੜੀ ਕਾ ਤੂਲਾ, ਕੇਸ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕਾ ਪੂਲਾ। ਕੇਸ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕਾ ਪੂਲਾ, ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਬਾਬਾ ਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਬਾਬਾ ਰੇ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕਾ ਪੂਲਾ। ਹਾਡ ਜਰੈ ਜਿਉਂ ਲਾਕੁਰੀ, ਕੇਸ ਜਰੈ ਜਿਉਂ ਘਾਸ, ਇਹ ਜਗ ਜਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਜਗ ਜਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਏ ਕਬੀਰ ਉਦਾਸ, ਭਏ ਕਬੀਰ ਉਦਾਸ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਭਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਅੱਗ ਇਹੋ ਅੱਗ। ਹਾਡ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਲੱਕੜੀ ਕਾ ਤੂਲਾ, ਕੇਸ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕਾ ਪੂਲਾ। ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜ ਸਮਾਈ, ਨੈਨੋ ਦੇਖਤ ਇਹ ਜਗ ਜਾਈ, ਇੰਨੀ ਲੋਇਣੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਤੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਲੋਇਣੀ ਦੇਖਦਿਆਂ
हो के ती चल गई फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई मैं अपनी पई हाट जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला उपजे निपजे निपज समाई नैनो देखत ए जग जाई इना अखां दे वेखदियां वेखदियां कितने चल गए पर ए मनुख तू अजे भी नहीं समझिया कि मैं भी चले जाना तू ही तो उस क्यू विच खड़ो तैं पता नहीं कल किदी वारी आवेगी इनी लोहनी देखदियां केती चल गई कितने ही चले गए एक बिनस है एक अस्थिर माने अचरज लख्यो ना जाए कैसियां कल युग ने साडियां अखां बंद कर रखियां हन के अनेकां मृतक शरीरां नूं शमशान भूमका जाके अगन पेट कर आए हां पर साडे मन ने अजे भी मौत नूं चेते नहीं कीता असी जानदियां के असी सदा लई बैठे रवांगे हजूर कहिंदे ने एक दिन चलना पवेगा ए तन जाएगो कबीर ए तन जाएगो सको तो ले हो बहोर नांगे पाँव ते गए जिनके लाख करो जेड़े करोड़ा अरबा पति राजे महाराजे चक्रवर्ती पातशाह सन वह भी नंगे पैर चले गए वह भी कुछ ना ले जान लगे कुछ ना ले जा सके एक वड्डा शाहूकार शरीर त्याग गया ते घर वाले जदों अगन पेट करन लगे ना ते उना दी निगाह पै गई उदे लक दे नाल सोने दी जंजीर बनी हुई सी क्योंकि वड्डे लोग जो होंदे सन ओ लक दे नाल सोने दी जंजीर बन के रखदे सन ते घर वालियां दी जदों निगाह पै गई ना उस जंजीर ते झट ओ जंजीर खिंच लई बई बाबा ए किधर लै चले बई कबीर जी ए नजारा देख रहे सन ता आप कहंदे हन कौडी कौडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़ चलती बार ना कछ मिलियो लई लंगोटी तोड़ कौडी कौडी जोड़ के कितना कुछ जोड़िया पर जांदी वेरी ओ चैनी भी उन्होंने खिंच ली घर वालिया ने इसलिए भाई बिना सिमरन तो बिना नाम तो बिना नितनेम तो तेरे नाल कुछ नहीं जान वाला ये शरीर है ये ता हार्ड जले जैसे लकड़ी का तूला जिस तरह लकड़ा बलदियां ना हड इस तरह जल जानगे तेरे शरीर स्वाह हो जाएगा दस नाल की ले जाएगा कुछ जाने नाल तेरे नाम जाएगा हाड जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला हाड जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला कहत कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड में लागे जम का डंड मूंड में लागे कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे अपने कर्म की गत मैं
चंदन मर्दन अंगा सो तन जले काठ के संगा। जो कुछ भी मनुख करदा है अपने शरीर लई करदा है। जे चंगियां खुराकां खादियां छत्ती प्रकार दे भोजन होर कई खुराकां कई कुश्ते जो कुछ भी तैं अज तक खादा अपने शरीर नू पालन लई। चंगे तो चंगे वस्त्र पहने तां शरीर लई पहने। चंगियां तो चंगियां सुगंधियां लाइया इस शरीर नू ते फिर आराम भी कीता तां शरीर लई कीता है। मनुख कदे तू अपनी आत्मा नू भी खुराक दिती है। जिस आत्मा दे सदके तेरा शरीर चल रहा है जिधर जाने लोकी तैनू नमस्कारा करदे हन अदब करदे हन सत्कार करदे हन। ये किदी कृपा है। ये जितने तक उसकी ज्योति मौजूद है तां तेरा सत्कार हो रहा है प्यार हो रहा है। ते जदों वो ज्योति शरीर तो वक हो जाएगी इस शरीर नूं अगन भेंट कर दिता जाएगा। इसलिए जो कुछ भी तू कीता शरीर लई कीता दस केड़े काम आया। तू आत्मा नूं कदे कीर्तन दा भोजन नहीं दिता कदे सत संगत दी सुगंधी नहीं लाई कदी गुरु दी कृपा दे इस आत्मा नूं वस्त्र नहीं पहनाए। दस तू आए हो केड़े काम तेरा आना किस काम होया। शरीर दी पालना तो सारी प्रकृति कर रही है तियां पुत्र भी सारी प्रकृति पैदा कर रही है। अपने अपने वेतन सार घर बार सारी प्रकृति ने बनाए हन। तेरे विच तां वादा ए सी कि तू सास ग्रास भगती करके नाम दी पूंजी नाम दा धन तेरे कोल आउंदा। इसलिए महाराज कहंदे ने इस शरीर ने तां भाई किसे काम नहीं आउणा। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला। कहत कबीर तब ही नर जागे जम का दंड मूंड में लागे। जम का दंड मूंड में लागे कर्म की गत मैं क्या जानू मैं क्या जानू। बाबा रे अपने कर्म की गत मैं क्या जानू मैं क्या जानू। बाबा रे मैं क्या जानू 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 बाबा रे। क्या जाना कि वो मरेंगे कैसा मरना होए। क्या जाना किव मरेंगे किसे नू पता नहीं कदों मरना किथे मरना और मरण दा कारण की बनेगा ये किसे नू पता नहीं। रावण वर्गियां नू पता नहीं लग सकिया जिन्हां ने काल नू अपनी चार पाई नाल बन के रखिया होया सी।
ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਆਖਰ ਕਾਲ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤਨੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਖਾਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ ਡੂੰਗੀ ਖਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਈ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਲ ਝਪਟ ਮਾਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜਿਉਂ ਪਰਿਓ ਡੋਲੈ ਮੁੱਖ ਪਸਾਰੇ ਉਮੀਦ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਖੋਲੀ ਫਿਰਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗ੍ਰਾਈ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜਿਉਂ ਪਰਿਓ ਡੋਲੈ ਮੁੱਖ ਪਸਾਰਿਓ ਮੀਤ, ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਹੇ ਗ੍ਰਸ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗ੍ਰਾਸ ਬਣੇਗਾ। ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਹੇ ਗ੍ਰਸ ਹੈ ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਚੀਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਬਜਲੇ ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ, ਅਵਸਰ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ, ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਭਈ, ਚਿਤਵਤ ਰਹੋ ਠਗੋਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗੱਲ ਭਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਫਾਸੀ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦੋ ਭਰਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਬਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੇਕ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸੇਕ ਲਵੀਂ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉਹੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਉਹ ਕੀ ਉੱਠੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਸੇਕ ਲੈਣਾ, ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਕ ਲੈਣਾ ਅੱਗ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਈ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬਜੈ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਸਭ ਕੱਪੜੇ ਜਲ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਾਂਹ ਸੇਕ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੈਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਲਗਾ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ 20 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਚਾ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚੇ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਓ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰੁਕ ਜਾ,
मेरे परिवार ने जाना नदियों पार ते मैं उना नू विदा कर लवा ते फिर मैं तैनू दसांगा इस गल दा जवाब फिर देवांगा। साथ संगत बोलो श्री वाहिगुरु। फिर देवांगा जवाब। जदों परिवार ने बस्तर वगैरा पहन ले तैयारी हो गई, कोई रिश्तेदार सन उन्हां दे दरियाओं पार रहिंदे सन, उन्हां दे घर विवाह सी, उधर जा रहे सन ते ए गुरु का सिख उस मुसाफर नूं कहन लगा, भई मैं इन्हां नूं छड आवां क्योंकि भरिया होया बेड़ा जदों दरिया दे विचकार जाना तां ए सारा बेड़ा डुब जाना, और फिर मैं तेरे नाल गल करदा। उचारण करो श्री ते जदों दरिया ते ठेलिया बेड़े नूं, कित्थों कित्थों सारे लोग आए हुए सन सफर करन वाले, ते जदों दरिया दे विचकार गया तां सारा ही बेड़ा बह गया पानी दे विच, सारिआं दी मौत हो गई। ते ओ मुसाफर कहन लगा, महाराज ए मैनू तां कोई समझ नहीं आई तुहाडी, ये किहो जिहा पाना है जद तुहानू पता है कि बेड़ा डुब जाना है, ते फिर भी तुसी अपने परिवार नूं बिठा दिता है, क्योंकि महाराज कहिंदे ने अपने प्यारिआं नूं, क्योंकि प्यारियां दा जीवन ही ऐसा होंदा है, साबर अंदर साबरी तन एवें जलेन, होन नजदीक खुदाए दे पर भेत ना किसे देन, वो सब कुछ वेखदे हन पता होंदा है पर उहदे कम विच कदी वो दखल नहीं देंदे। रब दे प्यारे कदे नहीं दखल देंदे उहदी रजा विच, जो उसकी रजा है ओदे विच राजी रहन वाले होंदे हन, ओही सेवक है। ते कैसी आग्या कीनी ठाकुर तिस ते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो गृह पीतर उठ उहां को दौड़ियो। ते जदों ओ बेड़ा डुब गया ते ए गुरु का सिख कहिंदा, आ भाई हुण दस की पुछना चाहुंदा। कहिंदा जी मैं की पुछना तुहानू। उन्हूं पता सी भाई दुकान नूं अग लगनी है, उसने नहीं बचाया कुछ अपना, तुहानूं पता सी अज तुहाडा सारा परिवार डुब जाना, तुसी नहीं बचाया, इह कादा पाणा होया, इह कादा हुक्म होया, इहदा की सबूत है कि उहदा हुक्म सी। तां उह गुरु का सिख कहण लगा, भाई गुरमुखा भाई ओ टाली तैनूं नज़र आ रही है इक दरखत वखरा जिहा। कहिंदा जी आ रिहा। कहन लगे अज तो 7 दिन बाद तू इत्थे आके सूली चढ़ना, फांसी चढ़ाया जाना, ते तू अपना बचा कर लै जितना कर सकना। प्यारी साध संगत जी अपना बचा करदा करदा सिर पट घोड़ा दौड़ाया, 7वें दिन उत्थे ही पहुंच गया। उत्थे पहुंच के इनू पता कोई नहीं कि मैं अपनी मौत दे मुंह विच आ गया, जिथे जाना है। एक सुंदर स्त्री बैठी है, वो उठी ते कहन लगी मैं तेरे नाल विवाह कराउना, ते पर इस तो पहला कुछ शक लईए, आ मुंदरा लै जा, कोई खाण पीण दी चीज लिया खाइए ते फिर मैं तेरे नाल चलांगी। तां मन विच सोचा भई ये तो कमाल हो गई है, सिख कहिंदा सी मौत आवेगी पर ये तां सुंदर स्त्री आ गई है। जां बाजार गया, मुंदरा विखाया, दुकानदार समझ गया ये चोरी दा है। शहर विच टंडोरा फिरिया होया सी कि राजे दी चोरी हुई है, ते राजे ने एक नहीं दो नहीं, जदों सिपाहियां ने इनू पकड़िया, राजे ने आख्या जाओ इसनू सूली चढ़ा दिओ, ते उसे ही ताली दे कोल आके खड़ो गया, इंतजार करन लगा मौत दी। ते जलाद पुछदे हन कोई आखरी ख्वाहिश, कहन लगा ओ गुरु के सिख दी कुली है, मैं उहदे नाल गल करनी चाहुंना। सिख नूं बुलाया गया, कहन लगा गुरमुखा तेरे होर तां सारे बचनी सिद्ध हन, 7 निकले हन, पर ए दस जेड़ी कहंदी सी औरत बीबी कि मैं तेरे नाल विवाह कराउणा, वह कौन सी? तो गुरु का सिख कहन लगा, जिंद वहोटी मरन वर लै जासी परनाए।
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਨੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਬਾਬਾ ਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਬਾਬਾ ਰੇ ਬਾਬਾ। ਜਾਨੂ ਬਾਬਾ।